हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजना और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी भी महिला का एबॉर्शन हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है, मतलब उसकी जो प्रेगनेंसी है वो टर्मिनेट हो जाती है, उसका बच्चा खराब हो जाता है, तो उस दौरान उसको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए और कितने दिन तक इन सावधानियों का पालन उसको करना चाहिए, क्योंकि 90% महिलाओं को ये नहीं पता होता है कि एबॉर्शन के बाद उनको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और इस वजह से आगे उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगती है अपनी लाइफ में। कितनी महिलाओं को तो आगे जाके प्रेगनेंसी कंसीव करने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि जब एबॉर्शन होता है तो उस दौरान वो कुछ सावधानियां होती हैं जिनको नहीं बरतती हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनका फॉलो उनको करना चाहिए। तो मेरा नाम, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजना रॉक नर्सिंग में। तो अगर हम बात करें कि जो एबॉर्शन होता है वो कितने तरीके का होता है, अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो टाइप्स अलग चीज होता है, और अगर हम इसके मेथड की बात करें तो मेथड अलग होता है। तो जब हम मेथड जानेंगे तभी हम ये जान पाएंगे कि किस तरीके के एबॉर्शन में कितना हमको रेस्ट करना चाहिए, किस तरह का खाना खाना चाहिए या फिर और कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी चाहिए। तो अगर हम इसके टाइप्स देखें तो टाइप्स क्या है, अलग चीज है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, मेथड देख रहे हैं, उसके तरीके देख रहे हैं। तो अगर हम देखें मेथड्स ऑफ एबॉर्शन कि एबॉर्शन कितने तरीकों से किया जाता है या फिर होता है, तो पहला इसमें आता है स्पॉन्टेनियस। पहला इसमें आता है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि स्वयं से, खुद से ही जब प्रेगनेंसी टर्मिनेट हो जाती है, बच्चा एबॉर्ट जाता है, बच्चा खराब हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। इसमें महिला किसी भी तरह की दवा का प्रयोग नहीं करती है, ये स्वतः होता है, खुद से ही होता है, और अधिकतर तब देखने को मिलता है जब अर्ली प्रेगनेंसी होती है, मतलब कि 3 महीने या फिर 2.5 महीने से कम की प्रेगनेंसी होती है, तब इस तरह का एबॉर्शन देखने को मिल जाता है। दूसरा होता है जिसमें महिला मेडिसिन का प्रयोग करती है, मतलब दवाओं का प्रयोग करती है। इसमें जो दवा होती है मे बी वो आयुर्वेदिक हो सकती है, होम्योपैथिक हो सकती है या फिर एलोपैथिक हो सकती है, कोई भी दवा वो प्रयोग कर सकती है, ये महिला के ऊपर निर्भर करता है। थर्ड होता है जिसमें सर्जिकल मेथड यूज किया जाता है। सर्जिकल मेथड यूज किया जाता है। अब सर्जिकल मेथड तभी यूज किया जाता है जब प्रेगनेंसी ज्यादा दिन की हो, मतलब कि 3 महीने से अधिक की प्रेगनेंसी हो, या फिर बच्चे में किसी भी तरह का कंजनेटल एनोमलीज हो, या फिर बच्चे का गर्भ के अंदर ही डेथ हो गई हो और बच्चा बाहर नहीं आ पाया, तो उस दौरान होता है। या फिर स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन, मतलब खुद से ही एबॉर्शन हुआ हो लेकिन कुछ पार्टिकल्स, कंसेप्शन का जो प्रोडक्ट होता है उसके कुछ पार्ट्स होते हैं जो गर्भाशय में ही चिपक जाते हैं, रह जाते हैं, और उस दौरान उनको बाहर निकालने के लिए फिर सर्जिकल मेथड अप्लाई करना पड़ता है। इसको सर्जिकल मेथड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें जो महिला होती है उसको हल्का सा लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, मतलब उसको बेहोश किया जाता है, और इसीलिए इसको बोलते हैं सर्जिकल मेथड। तो 3 तरह से एबॉर्शन होता है, या तो खुद से हो जाएगा, या महिला दवा का प्रयोग करेगी, या फिर सर्जिकल मेथड के द्वारा किया जाता है जो एक डॉक्टर करती है। तो किसी भी महिला का जब एबॉर्शन होता है तो सबसे पहला सवाल उसके मन में ये आता है कि उसको एबॉर्शन के बाद कितने दिन तक आराम करना चाहिए। तो अगर हम बात करें रेस्ट की, आराम की, कि एबॉर्शन के बाद कितने दिन तक महिला को रेस्ट करना चाहिए, तो इसमें 2 चीजें आती हैं। पहली क्या आती है, पहली इसमें चीज आती है कि अगर महिला का जो एबॉर्शन है, चाहे वो उसका स्वयं से एबॉर्शन हुआ हो या फिर उसने मेडिसिन का प्रयोग किया हो, जो भी मेथड हो। दूसरी बात आती है कि जो उसका बच्चा है, जो उसकी प्रेगनेंसी है, वो 3 महीने से कम की है, अगर ये 2 कंडीशन है, जैसे कि उसका सेल्फ एबॉर्शन हुआ है या फिर उसने मेडिसिन का प्रयोग किया है, दूसरा जो उसकी प्रेगनेंसी है वो 3 मंथ से कम की है, तो इन दोनों कंडीशन में महिला को कम से कम 7 दिन, कम से कम 7 दिन और अधिकतम 10 दिन तक आराम करना चाहिए। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि जब महिला का खुद से एबॉर्शन होता है या फिर वो दवा का प्रयोग करती है, तो जो ब्लीडिंग होती है वो क्या होती है, पहले दिन और दूसरे दिन तो फ्लो तेज रहता है, लेकिन उसके बाद में भी धीरे धीरे स्लो अमाउंट में ब्लीडिंग होती रहती है, स्पॉटिंग होती रहती है, और ये लगातार 4 दिन 5 दिन, किसी किसी को 1 हफ्ते तक होती रहती है, जिस वजह से महिला को बहुत अधिक कमजोरी महसूस होती है, बहुत अधिक थकान महसूस होती है, उसको हाथ पैर में बहुत अधिक दर्द रहता है, कमर में भी दर्द रहता है, और उस वजह से उसको बोला जाता है कि वो रेस्ट करे कम से कम 7 दिन और अधिकतम
10 दिन, साथ ही उसके शरीर से अधिक मात्रा में ब्लड लॉस भी हो रहा है, खून की कमी भी हो रही है और कभी कभी महिला का जो हीमोग्लोबिन लेवल होता है वो भी कम हो जाता है, इस वजह से वो एनीमिक भी हो जाती है। इस वजह से महिला को बोला जाता है कि अगर उसका खुद से एबॉर्शन हुआ हो या फिर उसने दवा ली हो, उन दोनों स्थितियों में उसको क्या करना है, कम से कम 7 दिन और अधिकतम 10 दिन तक आराम करना है। वहीं पे अगर सर्जिकल मेथड से एबॉर्शन हुआ है, अगर एक तरह से गर्भाशय की सफाई कराई गई है, बच्चे को सर्जिकल तरीके से बाहर निकाला गया है, तो उस दौरान कम से कम 2 दिन और अधिकतम 4 दिन रेस्ट करने के लिए बोला जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जब सर्जरी के थ्रू एबॉर्शन किया जाता है तो उसमें जो ब्लड होता है उसका लॉस कम होता है, क्योंकि जब सर्जरी की जाती है तो उस दौरान जो ब्लीडिंग होती है वो होती है, उसके बाद नॉर्मली 1 दिन तक ही ब्लीडिंग होती है या किसी किसी को नहीं होती है। इस वजह से उसमें जो ब्लड होता है, खून होता है, वो बहुत कम लॉस होता है और इस वजह से महिला को थकान भी महसूस नहीं होती है, अगले दिन वो खुद को बिल्कुल फ्रेश फील करती है। और इस वजह से बोला जाता है कि जो महिला को सर्जरी के द्वारा एबॉर्शन कराया गया है, उसने डॉक्टर के पास जाके अपना सफाई करवाया है, अपना बच्चा टर्मिनेट करवाया है, उन महिलाओं को 2 दिन, कम से कम 2 दिन और अधिकतम 4 दिन रेस्ट करने की सलाह दी जाती है। वहीं पे अगर ये दोनों स्थितियां हैं, खुद से हुआ है या फिर दवा के द्वारा हुआ है, तो फिर उनको कम से कम 7 दिन और अधिकतम 10 दिन तक रेस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके खान पान की, मतलब कि डाइट की, तो बहुत सी महिलाओं को इसमें भी दिक्कत होती है कि आखिर एबॉर्शन के बाद हमें क्या खाना चाहिए। डिलीवरी के बाद तो सभी को पता रहता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, क्योंकि हम डॉक्टर से सलाह ले लेते हैं, लेकिन एबॉर्शन के बाद लोग डॉक्टर के पास जाना ठीक नहीं समझते हैं, सलाह नहीं लेते हैं, और इस वजह से उनको बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं। क्योंकि अगर खुद से हुआ है या फिर दवा से हुआ है, तो उसमें मैंने पहले बताया ब्लीडिंग अधिक जा रही है, तो खून का नुकसान हो रहा है, महिला को एनीमिक हो सकती है, और अगर वो खान पान के बारे में भी नहीं जानती, अच्छे से नहीं खाएगी, तो फिर 100% वो एनीमिक हो जाएगी, फिर आगे उसको और ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगे। तो अगर हम बात करें डाइट की, खाने की, अगर किसी भी महिला का एबॉर्शन खुद से हुआ है, खुद से उसका बच्चा खराब हुआ है, उसने कोई दवा का प्रयोग नहीं किया है, या फिर उसने दवा के द्वारा अपने प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया है, तो उन महिलाओं को खान पान का विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि उनके शरीर से ब्लड लॉस अधिक हो रहा है। तो उन महिलाओं को ये सलाह दी जाती है कि वो अपने खान पान में हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर शामिल करें, क्योंकि उनमें आयरन बहुत अधिक मात्रा में होता है, इस वजह से उनके शरीर में जो खून की कमी है उसकी पूर्ति होती रहेगी। इसके अलावा अगर वो चाहे, व्यवस्था है, तो वो ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग कर सकती है, मतलब कि जो सूखे मेवे होते हैं उनका प्रयोग कर सकती है, या फिर जो फल होते हैं उनका वो प्रयोग कर सकती है, जैसे वो अनार का प्रयोग कर सकती है, चुकंदर का प्रयोग कर सकती है, गाजर का प्रयोग कर सकती है, इसकी वजह से उसके शरीर में खून की कमी नहीं होगी। तो उसको अपना जो डाइट है, अपना जो खान पान है, वो बैलेंस करके रखना है, इसके साथ ही उसको पर्याप्त मात्रा में दूध भी लेते रहना है, और पानी का अमाउंट अपने शरीर में कम नहीं होने देना है, उसको टाइम टाइम पे पानी भी पीते रहना है, जिस वजह से वो डिहाइड्रेट ना हो, वो हाइड्रेट रहे और आगे उसको दिक्कत ना हो। तो ये किसके लिए है? ये उन लोगों के लिए डाइट बताई जा रही है जिनका खुद से एबॉर्शन हुआ है या फिर उन्होंने मेडिसिन ली है। दूसरा कि अगर महिला का सर्जरी के द्वारा प्रेगनेंसी टर्मिनेट की गई है, तो उस दौरान उन महिलाओं को बोला जाता है कि जिस दिन एबॉर्शन हुआ है सर्जिकल मेथड के द्वारा, उस दिन शाम को उनको लाइट डाइट लेनी है, मतलब हल्का भोजन लेना है, दलिया ले सकती हैं या फिर खिचड़ी ले सकती हैं, क्योंकि अगर वो हैवी डाइट लेंगी तो इसकी वजह से मे भी वॉमिटिंग हो सकती है, उल्टियां हो सकती हैं, और इस वजह से मे भी उनको ब्लीडिंग हो सकती है या फिर अदर भी दिक्कतें हो सकती हैं। क्योंकि जब किसी भी महिला का किसी भी तरह से एबॉर्शन हुआ हो, इन तीनों में से कोई भी मेथड प्रयोग किया गया हो, महिला का शरीर उस दौरान कमजोर हो जाता है, जो शरीर में इन्फेक्शन या फिर जो संक्रमण होते हैं उसके होने के रिस्क बढ़ जाते हैं, क्योंकि शरीर कमजोर है, कोई भी संक्रमण, कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस आसानी से इंटर कर जाएगा, इसलिए महिला को अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होता है। तो अगर सर्जरी के द्वारा एबॉर्शन हुआ है तो उसको क्या करना है, रात में हल्का भोजन लेना है और अगले दिन से अपनी डाइट को मेंटेन करना है, जिस तरह से नॉर्मल महिला ले रही है जब खुद से उसका एबॉर्शन हो रहा है और फिर मेडिसिन से हो रही है, तो जैसा वो महिलाएं डाइट ले रही है, खान पान ले रही है, वैसा ही इस महिला को भी लेना है जिसका सर्जरी के द्वारा एबॉर्शन किया गया है, बस पहले दिन उसको अपना हल्का डाइट लेना है। तीसरी यहाँ पे बात आती है, फिजिकल रिलेशन कब बना है, फिजिकल रिलेशन
कब बनाए। तो ये बहुत ही अहम सवाल होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल होता है। अधिकतर महिला इसके बारे में नहीं जानती हैं कि जब एबॉर्शन होता है तो एबॉर्शन के बाद कितने दिन तक हमको संबंध नहीं बनाना चाहिए, सेक्स नहीं करना चाहिए। तो किसी भी महिला को, चाहे वो एबॉर्शन स्पॉन्टेनियस हो, चाहे मेडिसिन के द्वारा हो, चाहे सर्जिकल मेथड के द्वारा हो, कम से कम 15 दिन तक फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि मैंने अभी बताया कि एबॉर्शन के दौरान महिला का शरीर बहुत कमजोर हुआ रहता है। इसके अलावा जो गर्भाशय होता है, यूट्रस होता है, उसका मुंह खुला रहता है, और इस वजह से मे भी हो सकता है कि महिला प्रेग्नेंट हो जाए। तो इसके लिए महिला को ये बोला जाता है कि वो कम से कम 15 दिन तक फिजिकल रिलेशन ना बनाए, क्योंकि उस दौरान संक्रमण होने के चांस भी अधिक रहते हैं। तो हर तरह से महिला को हमको बचाना है, और इसलिए उसको रेस्ट भी करना है, अच्छा खाना भी लेना है, और साथ में ये चीज भी उसको सावधानी रखनी है। नेक्स्ट जो चौथा सवाल आता है महिला के मन में, वो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो उसका एबॉर्शन हुआ है वो आधा अधूरा तो नहीं है या फिर पूरा हुआ है। तो इसके बारे में भी महिलाओं को बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है, बहुत ज्यादा भ्रम रहता है। अगर सर्जिकली हुआ है तब तो कोई चांस ही नहीं है कि जो कंसेप्शन का प्रोडक्ट है वो अंदर रह सकता है, मतलब आधा अधूरा एबॉर्शन हुआ होगा। लेकिन अगर खुद से हुआ है या फिर मेडिसिन का प्रयोग किया गया है तो हो सकता है कि पूरी तरह से साफ ना हुआ हो, अभी कंसेप्शन का प्रोडक्ट अंदर हो, गर्भाशय में अंदर हो, और इस वजह से महिला को दिक्कत हो सकती है। तो इसको किस तरह से महिला पहचाने, इसके लिए अगर महिला की ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है और ये ब्लीडिंग 4 दिन 5 दिन या 1 हफ्ते हुई, उसके बाद बंद हो गई, फिर उसके बाद 4 दिन 5 दिन बाद फिर उसको स्पॉटिंग हो रही है, फिर 10 दिन बाद फिर उसको स्पॉटिंग हो रही है, और ये जो स्पॉटिंग है इसमें एक स्मेल भी आ रही है, एक बदबू भी आ रही है, तो महिला को समझ जाना चाहिए। साथ में उसको पेड़ों के नीचे, मतलब कि जो पेट का निचला हिस्सा होता है वहां पे, और कमर में भी दर्द रहता है। तो अगर ये सारे लक्षण दिखते हैं तो महिला को समझ जाना चाहिए कि जो उसका एबॉर्शन है वो कम्प्लीट नहीं हुआ है, वो इनकम्प्लीट है, मतलब कि अभी गर्भाशय के अंदर कंसेप्शन का प्रोडक्ट है, वो साफ नहीं हुआ है। किसी किसी में क्या होता है कि महिला चाहे दवा का प्रयोग करे या खुद से हुआ हो, नॉर्मली पूरी तरह से कंप्लीट एबॉर्शन हो जाता है, फिर वहां पे कंटिन्यू 4-5 दिन या फिर 1 हफ्ते ब्लीडिंग होती है, उसके बाद ब्लीडिंग बंद हो जाती है, फिर जिस तरह से नॉर्मली हमको पीरियड्स आते हैं उसी तरह से अगले महीने उस डेट पे या फिर हो सकता है 1.5 महीने पे या फिर 1.25 महीने पे महिला को पीरियड्स आ जाते हैं, और फिर ये कंटिन्यू साइकिल चलता रहता है। लेकिन अगर एबॉर्शन की जो डेट है 1 हफ्ते आपको ब्लीडिंग हुई या फिर 5 दिन 6 दिन 1 हफ्ते आपको ब्लीडिंग हुई, और उसके बाद 10 दिन बाद फिर से स्पॉटिंग शुरू हो गई या फिर 15 दिन बाद फिर से स्पॉटिंग शुरू हो गई, तो ये इस बात का संकेत होता है कि सफाई इनकम्प्लीट है, मतलब कि जो भ्रूण है, जो गर्भाशय में भ्रूण था, उसके जो पार्ट्स हैं, जो प्लासेंटा है या फिर भ्रूण है या फिर जो वहां पे टिश्यूज वगैरह रहते हैं, वो पूरी तरह से क्लीन नहीं हुए हैं, कुछ उसका पार्ट यूट्रस में रह गया है, और इस वजह से आपको ये दिक्कतें हो रही है। अगर इनकम्प्लीट एबॉर्शन के लक्षण दिख रहे हैं तो उसको जाके तुरंत अपना अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए और एक अच्छे डॉक्टर से मिलके आगे का प्रोसेस करना चाहिए। तो जब किसी भी महिला का एबॉर्शन होता है, चाहे वो किसी भी तरीके से हुआ हो, ये 4 सवाल उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। हर महिला को इन चीजों के बारे में पता होना चाहिए, इसकी वजह से वो अपना और अपने साथ साथ जो पूरा उसका परिवार है उन सबके हेल्थ को अच्छा रख पाएगी। क्योंकि अगर महिला को दिक्कत होगी तो परिवार के जितने भी सदस्य उससे जुड़े हैं उन सबको भी दिक्कत होगी। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के थैंक यू सो मच।